नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। संडे का दिन, राजीव जी का इंतजार कि क्या भविष्यवाणी होगी। मेरे पास दर्जनों मेल आए हैं, ये पूछूं कि राहुल गांधी जीतेंगे या हारेंगे, क्या होगा स्मृति ईरानी का, अमेठी में क्या होगा। तो ये सारी बातें आज के इस इंटरव्यू में हैं। राजीव जी ने जो खुलासा किया वो आपके होश उड़ा देगा। उन्होंने बताया कि केजरीवाल की जमानत पर क्या होगा। मैं पहले इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले हमेशा कहता हूं, आपका ज्योतिष में यकीन हो तो इस प्रोग्राम को देखिए, ज्योतिष में यकीन ना हो तो मत देखिए। मेरा ज्योतिष में यकीन है, इसलिए मैं ये प्रोग्राम करता हूं, देखता हूं। राजीव जी की कुछ भविष्यवाणियां गलत हुई हैं, सही भी हुई हैं, सही ज्यादा हुई हैं। पिछली बार 6 अप्रैल के आसपास उन्होंने मुझसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी के गृह बड़े खराब हो गए हैं, इनके कुछ नेताओं को कैंसर हो सकता है, मृत्यु हो सकती है। मैंने कहा भी, राजीव जी कैसी बातें कर रहे हैं, बड़े सेक्स स्कैंडल का खुलासा हो सकता है, बहुत बड़े करप्शन का खुलासा हो सकता है। 6 अप्रैल को कहा, 4-5 दिन बाद सुशील मोदी जी ने कहा उनको कैंसर हो गया है। मुरादाबाद के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पूर्व सांसद की डेथ हो गई, हाथरस के MP की डेथ हो गई, BJP के एक और MP की डेथ हो गई, कर्नाटक में सेक्स स्कैंडल खुल गया, और फिर कोविशील्ड का मामला खुला कि भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, मोदी सरकार ने करोड़ों रुपए लेकर एक ऐसी वैक्सीन देश भर को लगा दी जिसके साइड इफेक्ट से आप देख रहे होंगे, हर जगह से खबर आती है, आदमी बैठा है, डांस कर रहा है, खा रहा है, पी रहा है, अचानक गिरता है, हार्ट अटैक से मर जाता है। बताया गया कि इस वैक्सीन के साइड इफेक्ट से, लेकिन ये वैक्सीन करोड़ों रुपए लेकर लगा दी आप लोगों को। मजे की बात यह है, उस समय तो वैक्सीन के सर्टिफिकेट पे प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा फोटो आता था, रविन्द्रनाथ टैगोर बने होते थे प्रधानमंत्री जी जिसमें। लेकिन जैसे ही ये वैक्सीन का मामला खुला कि करोड़ों रुपए लेकर वैक्सीन गलत लगवा दी गई, तो हाहाकार मच गया। 80 करोड़ से ज्यादा लोगों ने वैक्सीन लगवाई थी। प्रधानमंत्री जी समझ गए कि जैसे ही वैक्सीन का सर्टिफिकेट देखेंगे लोग, उन्हें गरियाएंगे बहुत, वोट तो देना अलग बात है। लिहाजा अब कोरोना के वैक्सीन के सर्टिफिकेट से प्रधानमंत्री का फोटो हटा दिया गया। तमाम ऐसी बातें करेंगे, राजीव जी से पूछेंगे कि क्या कारण है इसका। मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप सब मेरे अपने हैं जिनसे मैं अनुरोध कर सकता हूँ, चैनल के नीचे ज्वाइन बटन आया है, एक ज्वाइन बटन को दबाइए। चैनल को ज्वाइन करेंगे तो मुझे मजबूती देंगे आप, मैं आपका आभार व्यक्त करूंगा। और आपके प्यार के कारण जिस हिसाब से चैनल चल रहा है वो अभूतपूर्व है। पिछले 28 दिनों में 33 करोड़ से ज्यादा व्यू, सपने में भी नहीं सोच सकता मैं लगातार कई महीनों से देश में पहले नंबर पे हूँ पॉलिटिकल कमेंटेटर में के रूप में। 4 PM देश भर में नंबर 1 पर है, 1 करोड़ से ज्यादा व्यू रोज आ रहे हैं चैनल पे, जो संभव सब सोचा नहीं था। आपके प्यार का कमाल है ये। तो चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। चलते हैं सीधे राजीव जी के पास और उनसे बातचीत करते हैं। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है राजीव जी आपका, और मैं तो आपसे डरने लगा हूं, पता नहीं कौन सा कनेक्शन है बजरंगबली जी का आपका। 6 अप्रैल थी शायद जब आपने पहली बार मुझसे कहा था कि जो भारतीय जनता पार्टी की जो राशि में कोई गृह बदला है और वो इतना खतरनाक है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को एक बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ेगा, उन्हें कैंसर हो सकता है, इनकी मृत्यु हो सकती है, एक बहुत बड़ा सेक्स स्कैंडल खुल सकता है, घोटाला खुल सकता है, ये सारी बातें कही थी और वो सारी बातें रिकॉर्ड में मौजूद हैं। और आपके कहने के बाद सुशील मोदी जी ने कहा कि उन्हें कैंसर हो गया, मुरादाबाद के पूर्व सांसद और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सर्वेश जी उनकी डेथ हो गई, हाथरस के सांसद की डेथ हो गई, BJP के एक और सांसद की डेथ हो गई, और उसके कुछ ही दिन बाद देश का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल कर्नाटक में खुल गया, भाजपा का सहयोगी दल था उसका खुल गया। और तब तक पता चला कि कोविशील्ड जो वैक्सीन थी जिसको लोग लगवा रहे थे, कई सारे लोग ऐसे हो रहे थे हार्ट अटैक हो जा रहा था, बैठे बैठे गिर जा रहे थे, लोग समझ नहीं पा रहे थे अचानक हो क्या रहा है। पता चला कि 52 करोड़ रुपए से ज्यादा की इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में बीजेपी ने उनसे चंदा लिया था। और इंग्लैंड की एक अदालत ने पता चला कि ये ऐसी डिफेक्टेड है कि इसको लगाने से आपके हार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है। ये सारी बातें किस कनेक्शन से आपको पता थी, आप कैसे इसकी भविष्यवाणी कर बैठे? और मुझसे इतने लोगों ने मुझे लिंक काट काट के आपका भेजा कि देखो राजीव जी जो कह रहे हैं वो सब सच होता चला जा रहा है, तो हनुमान जी का कनेक्शन कौन सा था ये वाला जो आप अचानक सब बोले और सब सच हो गया? हाँ बिल्कुल ठीक बात है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। हनुमान जी का कनेक्शन तो है कि बिना हनुमान जी की परमिशन दिए। देखिए ज्योतिष में मैं आज दर्शकों को थोड़ा सा जानकारी ये भी बता देता हूँ कि मेरे जैसा साधारण व्यक्ति ज्योतिष में 2004 से पहले 12 राशियों के नाम भी ठीक से याद नहीं थे और उनके स्वामी 9 ग्रह भी नहीं पता थे।
एक ऐसा काल चक्र घूमा, एक इंट्रोडक्शन के रूप, कभी हमारी इस रूप में बात ही नहीं हुई, और आपके ऑडियंस को मैं सुनाना चाहता हूँ। 2004 में मेरे जन्म स्थान पर एक 300 साल पुराना हनुमान जी का मंदिर है जो मेरे ही परिवार के लोगों ने बनाया था। उस मंदिर से मैं जब जुड़ा, परेशानी चल रही थी व्यापार बिजनेस में, मैं बिजनेस करता था, तो वहां से शुरुआत जब हुई तो उसके वो 2004 की मार्च अप्रैल में आता है हनुमान जी का जन्मदिन। उसके बाद क्या होता है संजय जी, नवंबर के महीने में हम ऋषिकेश गए थे अपने परिवार के साथ में, तो उस दौरान मुझे बड़ी डिटैचमेंट हो रही थी कि मुझे लग रहा था कि पिताजी की तो मेरी 87 में डेथ हो गई थी, कि कोई आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है जीवन में, हम अच्छा कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं, कोई सर पे हाथ रखने वाला नहीं था। तो मैं ऋषिकेश के आश्रम दर आश्रम भटक रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था, पिक्चरों की तरह से, पागलों की तरह से क्या कल्पना लिए बैठा था कि कोई साधु महात्मा आएगा, मुझे दिखाई देगा, मैं उसके चरणों में गिर जाऊंगा, फिर वो मुझे कहेगा तथास्तु और मेरे सारे संकट दूर हो जाएंगे, ऐसे दिमाग में चल रहा था। तो मैं ऐसे किस आश्रम में घुस गया हूं संजय जी, 2004 और 24 है, 20 साल मैं उस जगह को ढूंढ नहीं सकता, आज की डेट में मैं ढूंढ ही नहीं सकता। तो मैं एक आश्रम में चला जाता हूं, तो वो एक अखाड़ा टाइप का था, उसमें मुझे डर लग रहा था, बड़े बड़े साधु बैठे हुए थे। तो अंदर जब मैं गया हूं तो वहां पर जो है एक मुख्य साधु बैठे हुए थे सीधे, तो उन्होंने मुझसे कुछ दान करने के लिए कहा। मेरे जेब में उस समय मात्र 170 रुपए थे, तो मैंने उनसे कहा बाबा मैं दान तो कर दूंगा, लेकिन मैंने कहा बाबा मेरी समस्या है, मेरे को जीवन में मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं है कि मैं अच्छा कर रहा हूं बुरा कर रहा हूं, मेरा समझ में नहीं आ रहा मेरा जीवन कहां जा रहा है। तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि आज तूने व्रत रखा, उनकी आवाज कड़क हो गई, आज तूने व्रत रखा। मैंने बाबा किस चीज का व्रत? तो उस दिन वो गुरु नानक पर्व था, आपको कार्तिक मास की पूर्णमासी है, अब पूर्णमासी आती है। अच्छा, मैं आपकी तरह से सांसारिक था, उस समय मैं फिर कोई व्रत व्रत ऐसा कुछ रखता नहीं था, 2004 तक मेरी भी हालत यही थी आपकी जैसी। तो उस समय मैंने कहा बाबा मुझे नहीं पता था। तो उन्होंने कहा कि उनके शब्द अभी भी कानों में घुसते, और ये बात मैं हजारों लोगों को बता चुका हूं अभी तक, कि उन्होंने मुझसे ये कहा कि कोई बात नहीं, जा अगले महीने की पूर्णमासी को तू व्रत रख और मांग भगवान विष्णु से, तुझे विष्णु गुरु की प्राप्ति होगी। और साहब मैं वहां से और उन्होंने साथ में एक शब्द और कहे थे कि जा, इस 95 साल के साधु का आशीर्वाद है, 95 ईयर की एज मुझे कान में घूमज रही है। आज सोचो वो बाबा तो जिंदा भी नहीं होंगे, कौन है क्या थे मुझे नहीं पता, मैं उनके चरण स्पर्श करके वापस आ गया। जनवरी के महीने नवंबर दिसंबर में आपकी कार्तिक पूर्णिमा आती है, जनवरी के महीने में मैंने एक आज तक पे धर्म का प्रोग्राम आता था, काल चक्का घूमता था, जैसे वो महाभारत के सीरियल में नहीं शुरुआत होती थी, महाभारत का सीरियल जब आता चोपड़ा जी का, तो वो काल का चक्का घूमता था, ऐसे चक्का घूमता था, धर्म का प्रोग्राम ज्योतिष का आता था आज तक पर, उसमें के एन राव साहब कुछ विवेचना करते थे कुंडलियों की, वो किस दिन आता था मुझे आज याद नहीं। तो वहां से मुझे बड़ा अट्रैक्शन हुआ, मुझे कहा यार ये बुड्ढे बाबा बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करते हैं ज्योतिष को, तो मेरा अट्रैक्शन हुआ। उसके बाद का घटना चक्र मैं बता रहा हूँ, हनुमान जी का जन्मदिन मनाया मार्च अप्रैल में 2004 में, उसके बाद नवंबर में साधु बाबा का ऋषिकेश में मिलना, उनका आशीर्वाद देना, और जनवरी में राव साहब को देख के एक गुरु वाली भावना पैदा हो जाना। और अगली बात, अगला चक्र क्या घूमा कि मैं मई यही महीना था, मई का महीना था, मैं अपने दोनों बेटियों के साथ, वाइफ के साथ कनॉट प्लेस से आ रहा था कस्तूरबा गांधी मार्ग होते हुए, तो वहां भारतीय विद्या भवन पड़ता है, वहां पर मैंने बैनर लगा देखा ज्योतिष के कोर्स का, तो मैं वहां जाकर के एडमिशन के लिए फॉर्म लेके आ गया। तो इस तरह से मेरी शुरुआत हुई। तो मैं आज ये मानता हूं कि ये मेरा अपना जो है आदेश नहीं है, ये हनुमान जी का आदेश था, कि हनुमान जी की प्रेरणा से, उनके आशीर्वाद से मैं ज्योतिष में आया और मैं आज आप लोगों के बीच में बातचीत कर पा रहा हूँ। तो जब मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में जो संवत्सर जब नया शुरू हो रहा था, तो मैं दर्शकों को आपके दिखा देता हूँ, ये संवत्सर की कुंडली है, इसकी मैंने व्याख्या करी थी, ये संवत्सर की कुंडली है। संवत्सर शुरू हुआ था 8 अप्रैल 2024 को रात्रि के 23:51 पर। इसमें दर्शक देख सकते हैं कि शुक्र जो है राहु के साथ पीड़ित है चौथे घर में, और ये धनु लगन बनाए, धनु लगन भारत की कुंडली का, आप लोगों को पता है भैया भारत की कुंडली है, भारत की कुंडली का नौवा आठवां घर है, आठवें घर का स्वामी है धनु, सो भारत की कुंडली का आठवां घर बन रहा है। तो आठवां घर होता है गुप्त चीजों का, कि कोई चीज सडन गुप्त निकल के आ जाए।
उसके बाद आपको शुक्र का मैंने बताया था, तो आपके पिछले प्रोग्राम में मैंने कुछ ज्योतिष के वो बताए थे, तो आपकी ये पुस्तक है मंडेन एस्ट्रोलॉजी, जो आपने पिछले बार कहा था ना मेदिनी ज्योतिष का, तो आपके पिछले प्रोग्राम में मैंने बृहस्पति के और शनि के कारकत्व तो सिग्निफिकेंस बताए थे, आज मैं शुक्र के बता देता हूँ, फिर अपनी बात भी पूरी होती है। शुक्र वीनस, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं विमेन, लव, सेक्स, मैरिज, ड्रामा, एक्टर्स, एंटरटेनमेंट, कॉस्मेटिक्स, फैशन, पब्लिक फेस्टिवल्स, गैम्बलिंग, होटल्स, मॉडलिंग, फोटोग्राफी, स्पोर्ट्स, हॉबीज, रेस्टोरेंट्स, इनेक्टिंग ऑफ रियटियस लॉ, कंट्रोल ओवर जजेस, जूरी एंड कोर्ट ऑफ लॉ, सोशल एंड एंटरटेनमेंट, प्रॉस्पेरिटी, वैल्यू ऑफ करेंसी इन सर्कुलेशन, और किडनी की डिजीज, ये सब चीजें शुक्र के प्रभाव में आती हैं। तो जैसा मैंने कहा कि विमेन, सेक्स, क्राइम, ये आता है, तो उसी का फलादेश जो मैंने जब पढ़ा था, तो ये फलादेश है जो आपके उस प्रोग्राम में मैंने शेयर भी किया था, तो इसमें साफ साफ लिखा था कि इस वर्ष क्या होने वाला है। मैंने लिखा कि फाइटिंग अमंग्स द किंग्स, प्लेंटी ऑफ फायर्स इन द फॉरेस्ट एंड अदर प्लेसेस, रॉबरीज, मेजर एक्सीडेंट, सेक्स स्कैंडल्स, सेक्स क्राइम, ह्यूमिलेशन टू रूलर्स, प्रोमिनेंट पीपल्स, चेंजेस ऑफ गवर्नमेंट। मैंने ये भी कहा था कि इस साल ज्यादातर सरकारें बदली, सत्ता से बदलेंगी अक्रॉस द वर्ल्ड। मेंटल बीमारी का भी मैंने जिक्र किया था, मेंटल इलनेस बढ़ेगी, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स में इंक्रीज। तो भारत की कुंडली में ये अष्टम भाव है और अष्टमेश की गुरु पंचमेश बुध पीड़ित हैं। तो इस तरह से बात मैंने ये जब व्याख्या की थी तो मैंने वही बता दिया था कि इस वर्ष कोई, और कितनी जल्दी घटना घटी आप देखिए, हम 6-7-8 अप्रैल को शायद हमने आपका प्रोग्राम किया था, मतलब 8 तारीख से पहले ही किया था जब 8 तारीख को शुरू हुआ था, और आप देखिए 20 दिन में इतना बड़ा कांड खुल के आ गया कि आज उस कांड को आज देश के स्वरूप में देख रहा है कि मास रेप है भैया। ये तो एक हमने चंगेज खान सुना था भाई, वो चाइना गए होके वो बहुत सारे बच्चे पैदा कर देता था, बहुत सारे उसके लेडीज के साथ संबंध होते थे, कि मैं तो अखबारों में पढ़ रहा हूँ कि 100 से ज्यादा यानी कितनी महिलाओं के साथ उसका भगवान जाने क्या। तो ये क्या, ये एक नॉर्मल ह्यूमन बींग तो हो नहीं सकता, लेकिन ग्रह ने अपना काम किया। और ये भाजपा के लिए क्यों कष्ट आया, इसका भी जवाब मैं दे देता हूँ। देखिए सेक्स स्कैंडल तो है, कंट्री का है, लेकिन विधि का विधान देखिए कि जनता दल एस जो है वो जो है देवगौड़ा की पार्टी कभी कांग्रेस के साथ सरकार बनाई थी, कांग्रेस के साथ में, और वो पार्टी मरता क्या ना करता बीजेपी के साथ संबंध बनाना बैठी, तो वो मरा हुआ सांप बीजेपी के गले में लटक गया। तो वो मरा हुआ सांप बीजेपी की कुंडली में, बीजेपी के गले में क्यों लटा, क्योंकि मोदी जी ने उस व्यक्ति का जो एक तो कोएलिशन पार्टनर हो गया, उसका चुनाव का प्रचार किया, उसके मंच पे शेयर कर रहे हैं मोदी जी उसके साथ में, तो ये बीजेपी की कुंडली है भैया। जो बीजेपी की कुंडली मैंने आप लोगों को दिखाई थी, ये बीजेपी की वर्षफल कुंडली मैंने आप लोगों के पिछले प्रोग्राम में भी शेयर की थी, तो बीजेपी की वर्षफल की कुंडली में ये सातवें घर में, सातवां घर होता प्रतिष्ठा का, और वीनस और राहु वहां बैठे हैं, मतलब शुक्र जब भी पीड़ित होगा तो सेक्स से संबंधित जो है कोई क्राइम की बात आती है। और बीजेपी की कुंडली में एक और चीज मैं बता देता हूँ, बीजेपी का ये साल बहुत खराब जाने वाला है। इतना ही नहीं, इस बीजेपी के साल में एक और है, मैंने बीमारी हारी की तो बात आपको बताई, किसी महत्वपूर्ण नेता के दुखद समाचार की बातें भी मैंने कही हैं। इसमें इतना तक खराब योग है कि किसी का, ये कहते हैं ना जैसे सडन मृत्यु कोई आदमी अपने एफर्ट से कर लेता, जिसको हम सुसाइड भी कहते हैं, किसी बड़े महत्वपूर्ण नेता के सुसाइड करने जैसी घटना भी घट सकती है सत्ता पक्ष के पार्टी के। इतनी मत बोलिए, पिछली बार आपने कहा था तो 2 सांसद मर गए, 1 प्रत्याशी की मृत्यु हो गई, और अब आप कह रहे हैं कि कोई सत्ता पार्टी का कोई महत्वपूर्ण नेता सुसाइड कर सकता है। भैया क्यों करेगा सुसाइड, ऐसा क्या कर लिया सत्ता पार्टी के लोगों ने? हम आप नहीं है, ये तो ग्रह है, ये ग्रह हमारे, देखिए ग्रह क्या करते हैं, ग्रह हमारी साइकिक बॉडी को इन्फ्लुएंस करते हैं, हमारे थॉट प्रोसेस को, कि आप उस तरह का अपमान और ह्यूमिलेशन ना झेल पाओ। आपको पता है, मुझे खूब याद है कि बंबई का एक पुलिस कमिश्नर होता था, बड़ी अच्छी मूछें थी, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, वो उसने जो है अपने कैंसर उसको हो गया था, तो उसने अपनी कनपट्टी पे गोली मार ली थी, उसने डेथ अपनी सुसाइड कर ली। तो और आपका वो भी महाराज थे, कौन से, वो जो क्या नाम है, कौन से, भैयू जी महाराज मध्य प्रदेश वाले, उन्होंने भी तो सुसाइड किया था, तो ना, तो वो भी किस वजह से किया था, सेक्स स्कैंडल के कारण, याद होगा आपको, वो भी तो महिलाओं का चक्कर था उनके साथ में।
तो ये जो बीजेपी की कुंडली है, ये बीजेपी की कुंडली नाना प्रकार के कष्ट दिखा रही है, और इसके अलावा बीजेपी की कुंडली में, इस कुंडली में वर्षफल में क्या आ रहा है संजय जी, कि मैक्सिमम लोगों के जेल जाने का योग बन रहा है। अगली सरकार कौन होगी मुझे नहीं पता, इसमें लिटिगेशन में पूरी एंटायर पार्टी फंसेगी, और ज्यादातर लोगों के, बड़े से बड़े नेताओं के जेल जाने का योग है इस कुंडली में। मैं नहीं कह रहा हूं ये ग्रहों की स्थिति है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि वर्ष का स्वामी शनि वो छठवें घर में फंस गया जाके, और मुंथा है, मुंतेश है, वो भी शनि है, वहीं फंसे हुए हैं। तो अष्टमेश मंगल के साथ पीड़ित हैं, दर्शक सुन ले जो भी ज्योतिष के जानकार, छठवें भाव में अष्टमेश मंगल के साथ हैं, और लग्नेश अष्टम भाव में वक्री और अस्त थे उस समय जब बीजेपी का वर्षफल मना 6 अप्रैल 2024 को। तो ये सब चीजें इसकी वजह से बनी। और एक और चीज बता देता हूं आपको, ये छठवां घर आपको पता है, आपने आप भी सीख गए हैं कि रोग ऋण शत्रु का होता है, तो जितनी भी जो मेडिसिन है, दवाइयां वगैरह भी, वो भी यहीं से आती हैं। तो कोई भी स्कैंडल अगर मेडिसिन से रिलेटेड, जो आप इसकी वैक्सीन की बात बता रहे थे, वो भी छठवां घर है। तो बीजेपी के भाग्य में एक और मरा हुआ सांप लटक गया कि मोदी जी ने अपने खूब सारे वो वैक्सीन के सर्टिफिकेट बांटे, उसमें फोटो लगवाई थी, तब तो मोदी जी दिखा रहे थे कि साक्षात वो यमराज से आशीर्वाद लेकर के आए हैं कि किसी को मृत्यु का भय नहीं होगा, मृत्यु नहीं मिलेगी। अब वो मोदी जी का अचानक वहां फोटो गायब हो गया। जैसे ही ये न्यूज आती है मीडिया में कि उस वैक्सीन बनाने वाली कंपनी ने लंदन के कोर्ट में एडमिट किया कि हमारी इस वैक्सीन के साइड इफेक्ट हैं, जिसके कारण क्लॉट बनता है, खून तक का थक्का बन जाता है, और वो खून जो है, जब ब्रेन में अगर थक्का बनेगा तो ब्रेन के सिग्नल कम हो जाते हैं, तो ब्रेन डैमेज होने के भी आ रहे हैं संकेत, और वही अगर थक्के वाला खून अगर पूरी बॉडी में चलेगा तो हार्ट में भी फेल हो सकता है। जैसा हार्ट को, मैं दर्शकों के लिए क्लियर कर देता हूं, हार्ट एक टुल्लू पंप की तरह से होता है, जो आपके घरों में टुल्लू पंप होता है ना, वो टुल्लू पंप पानी जो है, जैसे आप जो है पूरे घर में सप्लाई होती है, उसमें मान लीजिए पानी में कचरा आ जाए, तो वो कचरा जब आ जाएगा तो पंप पानी तो आगे भेज नहीं पाएगा, रू रू करके वो फूक जाएगा। इसी तरह हार्ट फेल के केसेस बढ़ गए, क्योंकि वो ब्लड की क्वालिटी खराब हो गई उस वैक्सीन के लगने से। भाई वैक्सीन का जो लिक्विड है वो क्या होता है, जब हमारा इंजेक्शन लगता है, इंजेक्ट होकर के जो है आपके ब्लड में मिक्स हो जाता है। एक चीज और मैंने आपके प्रोग्राम में ये बताई थी कि बीजेपी की कुंडली में जहर देने का योग है। ये दर्शक सुन ले कि आपको पता, पूर्व काल में आप राक्षस होते थे, राक्षस क्या करते थे कि जब वो पब्लिक को मारना होता तो पीने वाले तालाब में जहर मिला दिया तो उसे पब्लिक मर गई। तो लगभग बीजेपी की कुंडली में, मैं बीजेपी से मेरा कोई द्वेष नहीं है, बीजेपी से मेरा कोई झगड़ा नहीं है, और बीजेपी वालों से मेरे संबंध है, लेकिन मैं तो कुंडली की व्याख्या कर रहा हूं कि इनकी कुंडली में जहर का योग क्यों है, जहर देने का। तो उसका एक बहुत अच्छा वाक्य उन्हीं राव साहब वाले प्रोग्राम का सुनाता हूँ। राव साहब जब मुझे पहली बार आकर्षित हुए उस प्रोग्राम से, तो राव साहब सांप से काटने का योग बता रहे थे। ध्यान से सुने दर्शक मेरे, उसको ज्योतिष की भाषा में कहा गया सर्पदंश, अंग्रेजी में कहते हैं स्नेक बाइट, जब सांप काटता है तो उसमें तीन ग्रह रिस्पॉन्सिबल होते हैं सांप काटने में, जो सांप के द्वारा जहर जाने में। राहु को स्नेक माना गया है, राहु का होना, मंगल हमारा ब्लड का सिग्निफिकेटर है, चंद्रमा हमारा फ्लो है, जो हमारा खून का दौरा जो आगे पीछे जाता है वो मून से देखा जाता है। तो मंगल और शनि जो है वो बेसिकली परमानेंट डैमेज है, परमानेंट डैमेज अगर बॉडी में होगा तो शनि का होना जरूर, क्योंकि शनि हमारी सेल्स का सिग्निफिकेटर भी है। जब हमारा पॉइजन हमारी बॉडी में फैलता है ना, तो हमारी सेल्स भी डैमेज हो जाती है, तो इसलिए शनि का रोल आ जाता है। उस योग में शनि, मंगल, राहु और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन होता है, जो स्नेक बाइट का सर्वदंश का है, वो बीजेपी की कुंडली में है। ज्योतिष के जितने भी चैलेंज है, ज्योतिष के जितने भी विद्वान है, देखिए तीसरे घर में बीजेपी के मंगल वक्री, राहु है और शनि भी वक्री है, और इस मंगल की दृष्टि छठवें घर में जो रोग में बैठा चंद्रमा है उसके ऊपर पड़ रही है। तो ये बीजेपी की कुंडली में बेसिकली पॉइजनिंग का केस है। तो राव साहब ने बहुत अच्छा उसमें एक्सप्लेन किया था कि आजकल के जमाने में जब इतना अर्बनाइजेशन हो गया है तो सांप तो मिलेंगे नहीं, तो उन्होंने ये कहा कि मॉडर्न टाइम में इसको सर्पदंश को आप कैसे इंटरप्रिटेट करोगे, कि जो डॉक्टर के पास जब जाते हो तो डॉक्टर जो इंजेक्शन लगाता है, इंजेक्शन के जरिए अगर वो दवाई रिएक्शन कर जाए तो वो पॉइजन बन जाता है, वो पॉइजन ब्लड में मिल जाता है। तो एग्जैक्टली देखे सांप भी क्या कर रहा है,
सर स्नेक भी आपके अपने फन से वो आपके शरीर में इंजेक्ट कर रहा है, ब्लड में मिक्स कर रहा है, वो काटा उसने ब्लड में चला गया। तो सेम वे उन्होंने कहा कि अगर किसी की जो है डॉक्टर के इंजेक्शन देने के रिएक्शन से डेथ होती है तो उसमें यही ज्योतिष के कॉम्बिनेशन आएंगे जो मैंने एक्सप्लेन किए हैं, तो बीजेपी की कुंडली में है। इसीलिए ये वैक्सीन वाला मसला भी अभी क्यों आया, और मोदी जी ने तो उसमें बहुत यश कमाया था, उस कंपनी ने तो शायद, मैं जो अखबारों में पढ़ रहा था, आपने बहुत सारे प्रोग्राम भी किए हैं कि 100-150 करोड़ कितने दिए थे, वो पूना वाला थे कौन सा भगवान जाने। और बीजेपी की कुंडली में एक और था, एक और कंपनी ने, हैदराबाद की कंपनी ने जो रेमडेसिविर कोई दवाई थी उस दौरान चली थी, वो भी बनाई थी, वो भी लो क्वालिटी की खराब बनाई, जिसको बाद में बैन कर दिया गया था अमेरिका में, उस कंपनी ने भी बहुत सारा इनको चंदा दिया। तो ये सारे के सारे कॉम्बिनेशन बीजेपी के रेडीमेड इसलिए थे क्योंकि बीजेपी की कुंडली इस तरह की है। मैंने आपके बार बार प्रोग्राम में कहा है, आज भी दर्शकों को फिर से मैं कहता हूं, मेरा किसी पार्टी से, राजनीतिक पार्टी से कोई लिंक नहीं है, द्वेष नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को बताता हूं कि जो मैंने 20 वर्ष में धर्मशास्त्र और ज्योतिष की ज्ञान प्राप्त किया है, तो मैं आप लोगों को बार बार आगाह करता हूं कि देखिए हमारी सबसे बड़ी दौलत हमारे विचार या बुद्धि है, विचारों से ही हम देवता या राक्षस बनते हैं। तो मैंने आपके प्रोग्राम में जब ये कहा, मैं आज फिर आप लोगों को शपथ दिलाना चाहता हूं इस रामायण की, करे कम से कम मेरी बात छोड़िए, आप इस भगवान राम के कथन को तो मानेंगे। भगवान राम जब ये कहते हैं लक्ष्मण से, वो सॉरी भरत से, मैं आपको बार बार इसे कर, दर्शक ये सीख जाए कि भाई मेरे शब्द नहीं है, भगवान के शब्द हैं। हे भरत, राक्षस कौन होते हैं, दुष्ट कौन होते हैं, ये सदैव निंदा झूठ का आचरण करने वाले, दूसरों की तरक्की संपत्ति को देखकर ईर्ष्या करने वाले, काम क्रोध अहंकार लोभ परायण निर्दयी कपटी कुटिल और अनेक पापों से युक्त होते हैं। वे बिना कारण किसी से बैर करते हैं, भलाई करता है उसके साथ भी बुराई करते हैं, उनके संपूर्ण आचरण में झूठ पाखंड दिखावा छल कपट और होता है। तो अब आप बताइए कि ये वर्तमान सरकार क्या है कि इतना बड़ा कांड, सेक्स का कांड हो गया, अभी एक दो दिन पहले संजय जी बंगाल के गवर्नर का भी नाम आ गया है कि उन्होंने भी किसी अपनी गवर्नर हाउस में काम करने वाली महिला के साथ उसके बॉडी के पार्ट को टच किया, तो ये हो क्या रहा है। और हमारे जो प्रधानमंत्री महोदय चुप क्यों रहते हैं, वो एक आपके कुलदीप सेंगर हुए हैं, उन आपके उनका भी कांड था, वो बच्ची को शायद मर्डर कर दिया जाना क्या किया था। उसके बाद एक स्वामी जी थे संत महाराज चिन्मयानंद जी, कोई आपके उदरी की बेल्ट के, फिर उसके बाद वो आपके ब्रजभूषण सिंह जी का कांड, बच्चियां जो है हमारी सड़कों पर घसीटी गई, वो बेचारी गुहार लगा रही थी कि इस व्यक्ति को दंड दो, आज उसके बेटे को आप टिकट दे के बैठ गए हो, तो वर्चुअली आपने उसके परिवार में टिकट दे दिया। वो तो एक दूसरों को बेवकूफ बनाने वाली बात है, वो तो इलेक्शन होने के बाद इस्तीफा दे करके फिर वापस क्या नाम है ब्रजभूषण सिंह बन जाएंगे बाद में। लेकिन ये आपके साथ क्यों हो रहा है, आपके आचरण में क्यों है। और सबसे बड़ी बात आपको बताने वाला हूं कि ये जो है जितनी भी महिला सांसद हैं भाजपा की, उनके लिए भी बहुत शर्मनाक है, वो स्त्री जाति के नाम पर कलंक है कि महिलाओं के साथ इतनी बड़ी चीजें घटना घट रही है देश में इसी सत्ता में, लेकिन उनकी फूटी जबान नहीं, एक शब्द नहीं निकलता। दिस वेरी वेरी बैड, क्योंकि आप सोचिए कि आपसे तो अपेक्षा की जाती थी, जैसे आपकी जो मैडम ईरानी है, कौन है वो, अमेठी से लड़ रहे हैं, उस विषय पे भी हम आएंगे। तो ये जब सब चीजें क्यों हो रही हैं कि इन लगातार बच्चों को, और आपको पता है आपके संबंध क्या थे मोदी जी के, जे किसके साथ, बापू आशाराम, कहाँ हैं आशाराम जी, जेल की हवा खा रहे हैं, किस कांड में थे, बच्चियों के साथ बलात्कार, वो डेरा सच्चा वाले राम रहीम वो क्या है, वो भी बच्चियों के साथ बलात्कार। तो ये सब चीजें क्यों हो रही हैं, मैं नहीं कह रहा हूं संजय जी, ये ऑन रिकॉर्ड है कि हमारे इन विश्व गुरु जी के ऊपर गुजरात कैडर के आईएएस ऑफिसर ने टीवी चैनल पर यह कहा था कि किसी अपने से आधी उम्र की आर्किटेक्ट बच्ची के पीछे इनका आकर्षण बढ़ गया था, और उस केस में बकायदा जो गृह मंत्री थे उस समय स्टेट गवर्नमेंट के, वो सर्विलांस कर रहे थे। और इस संजय जी एक मिनट बात पूरी कर रहा हूं, और इस बात को एक आप पार्टी का नेता था कपिल मिश्रा, उसने सदन में दिल्ली विधानसभा में उठाया भी था। तो आप देखिए देश की जनता ये नहीं सोचेगी कि आप चुप इसलिए हो इन मसलों पर, क्योंकि क्या आप भी उसी तरह के हो क्या, तो ये प्रश्नचिन्ह तो आपके व्यक्तित्व पर लग ही गया ना, तो ये देखने की बात है। राजीव जी, हम आते हैं मूल गिरोह के नक्षत्र पे। राहुल गांधी ने रायबरेली से पर्चा भरा और भाजपा कह रही है कि स्मृति ईरानी
के राहुल गांधी रायबरेली चले गए, क्या लगता है रायबरेली से राहुल गांधी जीतेंगे या चुनाव हार जाएंगे? क्या उम्मीद है आपको? क्या राहुल गांधी के स्टार्स कहते हैं, क्या कांग्रेस के स्टार्स कहते हैं कि राहुल बरेली से राहुल गांधी की जीत होगी या हार होगी? और जीत होगी तो क्या वो अपनी माँ का रिकॉर्ड, सोनिया गांधी का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे? राहुल गांधी का फ्यूचर क्या लगता है? कुछ लोगों ने मुझसे ये भी पूछने को कहा है कि मैं आपसे पूछूं, क्या वो देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं? क्या है उनके जन्म पत्री में, उनके योग क्या है? देखिए, आपके ही प्रोग्राम में आपको बड़ा बड़ा वो बहुत हिट हुआ था, मुझे याद है 13-14 लाख उस टाइम में हो गए थे उसके व्यूज, जब मैंने कहा था कि राहुल गांधी को बेल हो जाएगी जब इसका सुप्रीम कोर्ट में मैटर था, उस दौरान मैंने कहा था। और मैंने बीच बीच में राहुल गांधी की, ये हॉरोस्कोप है, राहुल गांधी का 19 जून 1970 का जन्म है, ये हॉरोस्कोप है, ये दर्शक देख लें। इस हॉरोस्कोप में मैंने दर्शकों को बताया था कि राहुल गांधी का जब ये अभी महादशा उनकी राहु की चल रही है, और राहु उनकी जन्म की कुंडली में पांचवें घर में प्लेस है। हम एक बार जब रिसर्च कर रहे थे, आपके प्रश्न का जवाब इसी में आ जाएगा, जब हमने कौन व्यक्ति का प्रधानमंत्री बना, ये और इंडिया के नहीं, हमने अमेरिका से लेके बड़े बड़े कंट्रीज की भी देखी थी, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के केस में रिसर्च में ये फाइंडिंग मिली हमको कि पांचवा घर एक्टिवेट होता है, जब भी कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा तो फिफ्थ हाउस एक्टिवेट होगा ज्योतिष का। तो राहुल गांधी की कुंडली में योग तो है, क्योंकि फिफ्थ हाउस में बैठा है, राहु की महादशा चल रही है। बनेंगे नहीं बनेंगे, उस प्रश्न का जवाब भी अभी आपको इसी प्रोग्राम में देता हूं। तो राहु, जब राहु आपके 28 नवंबर को ट्रू राहु जब चेंज होकर के इनकी कुंडली के छठवें भाव में आया, और मुझे खूब याद है क्योंकि भगवान की कृपा से मेरी मेमोरी बहुत शार्प है, मैंने आप ही के प्रोग्राम में ये कहा था कि राहुल गांधी की स्ट्रेटेजी इतनी जबरदस्त होगी, शेयर शत्रु हंता का पीरियड है। आप 28 नवंबर की बात सोचिए कि जिस पार्टी ने 3 स्टेट गंवा दिए हों, जिसमें 2 तो उनके रूलिंग स्टेट थे, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, उसके बावजूद भी अपना मोराल, अपना मनोबल बना के रखना, और कितना जबरदस्त भाई साहब फायरी अटैक है राहुल गांधी का भाजपा और मोदी और शाह के ऊपर, ये सब कहां से, वो जो स्ट्रेटेजी आप देखिए कि ये सब कैसे बना, ये उसको राहु ने दी है जो उसके छठवें भाव में है अभी। और छठवें भाव का राहु ज्योतिष में 3 घरों का राहु सबसे सुंदर माना गया, 3रे घर का राहु, छठवें घर का राहु, और 11वें भाव का राहु, 11th हाउस का। तो राहुल गांधी की कुंडली में ये राहु जो है जन्म की कुंडली में चंद्रमा से 3रे घर में है, तो वो पराक्रम और रणनीति, कूटनीति सारी सिखाता है। तो राहुल गांधी के बारे में आपके बहुत सारे पत्रकार साइकोलॉजिस्ट लिखने लगे, भाई जबरदस्त मजा हुआ, राजनीतिज्ञ हो गया है, वो सब किसने दिया? उस ग्रह ने देना शुरू कर दिया, क्योंकि मॉडर्न पॉलिटिक्स जो है बेसिकली राहु से देखी जाती है। वैसे तो प्रजातंत्र शनि देखता है, लेकिन जोड़ तोड़ की, उठा पटक की जितनी भी है, सामदाम दंडवेद वाली राजनीति राहु से देखी जाती है। तो राहु का यहां पर आना, तो आप ये देखिए, आज आपके प्रोग्राम में मैं बताता हूं राहुल गांधी की अभी वर्तमान में राहु में बृहस्पति की दशा चल रही है। 20 मई को राहुल गांधी की कुंडली में राहु में शनि की दशा शुरू होने जा रही है, और शनि इनके साथ आपके इसमें पांचवें घर से गोचर कर रहा है, और शनि तुला लगन के लिए योग कारक ग्रह है, हालांकि नीच का है, उसका कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो शनि इनके राहु के साथ 311 की एक्सिस बना रहा है अचीवमेंट की, तो राहुल गांधी का कद और ज्यादा बढ़ने वाला है, और 20 मई से। और इसीलिए आप देखिए उस व्यक्ति के अंदर इतना ट्रिमेंडस स्टेमिना कहां से आया, मैं आपको बात बताऊं, मुझे शंकर सिंह बघेला जी ने बताया था कि राहुल गांधी के अंदर इतनी ताकत है कि अगर वो एक मुक्का दीवार में मारा, भाई साहब दीवार तोड़ सकता है 4 इंच की। और बोले ये तो, जब वो हंस के कहने लगे कि ये अमित शाह और मोदी क्या बेचते हैं, वो अगर अपनी बगल में दबा लेगा तो ये अपने आप को छुड़ा नहीं सकते अमित शाह मोदी से, ये शंकर सिंह बघेला ने मुझे कहा था। तो मैं आपको बात बता रहा हूं, उसके अंदर भाई साहब विश्व में लिखा जाएगा गिनीज बुक में कि एक व्यक्ति इतना पैदल कैसे चल सकता है। उन्होंने जब पहले पदयात्रा की, भाई साहब ये हम लोगों के लिए असंभव है, आज की युवा पीढ़ी के लिए असंभव है, पूरे वर्ल्ड की लीडरशिप के सामने असंभव है, ये किसी डिवाइन शक्ति की ताकत है कि उसने 10,000 किलोमीटर में पूरा देश नाप लिया 2 बार में। तो ये सब कैसे हुआ, उसके पास ट्रेमेंडस पावर है ये इस राहु के कारण। तो अब राहु में शनि की दशा आ जाने का मतलब है राहुल गांधी की ये एक स्ट्रेटेजी थी कि वो रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे, सो दैट संकेत जाएगा हिंदी बेल्ट से राहुल गांधी भागा नहीं है। उसके अलावा दूसरी अमेठी से जाकर के, अमेठी को छोड़ करके उसने एक संकेत दिया
कि मेरे लिए स्मृति ईरानी कोई महत्व नहीं रखती है, मैं जानता ही नहीं हूँ। वो तो कहते भी हैं कि मैं तो उसको भाई उस परिवार के आगे इसकी उन लोग इसका स्टेटस ही क्या है, तो उसको छोटा नहीं करना चाहते। इसीलिए उन्होंने ये बार बार आपकी एक टैगलाइन चल रही है ना कि मोदी शाह के सेनापति को कांग्रेस का सिपाही हराएगा। एग्जैक्टली आज आपके प्रोग्राम में मैं भविष्यवाणी करने जा रहा हूँ, राहुल गांधी अपनी माता की विक्ट्री मार्जिन से भी डबल मार्जिन से जीतेंगे इस चुनाव में। क्यों? ये राहु शनि के कारण बता रहा हूँ। और नॉट ओनली रायबरेली की सीट, कांग्रेस दोनों सीटों को जीतने जा रही है विद हैंडसम मार्जिन, विद हैंडसम मार्जिन, छोटा मोटा मार्जिन के साथ नहीं है ये, क्योंकि राहुल गांधी की रायबरेली से चुनाव लड़ने की जो स्ट्रेटेजी का इन्फ्लुएंस पड़ोसी शहर अमेठी में भी जाएगा। तो राहुल गांधी ने एक तीर से दो निशाने किए हैं और इसको गोदी मीडिया तो समझ ही नहीं सकती। तो आने वाले टाइम में देखना, आपका कहना यह है राजीव जी, आपका कहना यह है कि अमेठी और रायबरेली दोनों सीटें कांग्रेस जीतेंगी, ऐसा गृह बता रहे हैं, स्मृति ईरानी हारेंगी। मैं आपको छोटे मार्जिन से नहीं कह रहा हूँ, स्मृति ईरानी तो 55,000 वोटों से जिताया था। स्मृति ईरानी अगर 1.5-2 लाख वोटों से हारे तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो किससे हारेंगी? वो केएल शर्मा जो भी है वो उनका अपना घर का आदमी है, तो वो उससे हारने जा रही है। ये चुनाव में एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला है कि वर्चुअली ये सांकेतिक डिफीट होगी मोदी अमित शाह की। इसमें ये कितनी ताकत लगा लें, ये नहीं जीतने वाले, क्योंकि कौन सा ग्रह है जिसकी वजह से स्मृति ईरानी हारेंगी, या कौन सा हॉरोस्कोप तो मेरे पास है नहीं। मैं तो राहुल गांधी की बता रहा हूँ कि राहुल गांधी की कुंडली में उसको क्या कहते हैं, शत्रुहंता का पीरियड चल रहा है। कोई एनिमी कितना ही बड़ा हो, मैंने तो आपके प्रोग्राम में, मुझे याद है नरेंद्र मोदी अगर राहुल गांधी के खिलाफ अभी चुनाव लड़े, नरेंद्र मोदी हार जाएगा चुनाव। मेरा चैलेंज है इस कुंडली के आधार पर, नरेंद्र मोदी चुनाव हार जाएगा अगर नरेंद्र मोदी फॉरगेट अबाउट शाहवा ईरानी विरानी क्या बेचती है राहुल गांधी के खिलाफ। ये जनमपति तो रायबरेली में काम करेगी ना, राहुल गांधी स्मृति ईरानी तो अमेठी से हैं, तो अमेठी कैसे हारेंगे? मैं ये जानना चाहता हूँ कौन सा ग्रह ऐसा इससे बड़ी हारे। देश में जो न्याय जो उनका जो मैनिफेस्टो बना था, जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा थी, ये किसका ब्रेन है, किसकी स्ट्रेटेजी है भाई? युद्ध में तो युद्ध नीति के और आपकी जो रणनीति काम आती है ना, तो ये रणनीति उसकी सक्सेसफुल होने जा रही है। उसकी कुंडली में जो ग्रहों का योग है कि राहुल गांधी की रणनीति सफल होने जा रही है, क्योंकि एक तो वो व्यक्ति जो अमेठी से लड़ रहा है वो लोकल है, जबकि स्मृति ईरानी तो आउटसाइडर है, एक वो सेंटीमेंट्स वहां बनते हैं। दूसरी बात है वो लॉयल आदमी है जो सन 90 से उनके साथ काम कर रहा है, और राहुल गांधी का प्रेजेंस में रहना, देखिए जोश आ गया है जनता में। ये जोश के रूप में मैं आपको बता रहा हूँ कि राहुल गांधी का जो ऑरा वहां पर रहना, मैंने तो कहीं आपके अखबार में पढ़ा था कि पप्पू यादव कह रहे हैं मैं भी प्रचार करने आऊंगा वहां से, और बहुत सारे लोग प्रचार करेंगे, तो ये चुनाव सीधे सीधे बीजेपी के लिए बहुत बड़ा ह्यूमिलेशन लेके आ रहा है कि उनकी मैडम हारने वाले हैं, उनकी चहेती मैडम हारने जा रही हैं, और उनको हारना भी चाहिए। मैं तो आज के प्रोग्राम के माध्यम से दर्शकों से ये कहूंगा कि महिलाओं के ऊपर जो उत्पीड़न हुआ है, बच्चियों से लेकर के ये जो मास रेपिस्ट का जो केस खुलासा हुआ है, अगर आप अपनी बच्चियों की जीवन को सुरक्षित चाहते हो तो इस पार्टी को हटाना होगा। मैं एक और बहुत बड़ी बात आपके कुंडली में इसमें बताने जा रहा हूं कि भाजपा की कुंडली में एक और खतरनाक योग है, ये भाई साहब ड्रग्स से रिलेटेड भी बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, शुक्र जो है इनका 12वें घर में बैठा है और वक्री शनि से पीड़ित है 10वीं दृष्टि से। ऐसे लोग जो आपने देखा ना, किसी ने मुझे ट्विटर पे एक पोस्ट भेजी थी जिसमें वो दिया था कि अदानी के पोर्ट पर वो बहुत सारी गाय मिडिल ईस्ट जा रही थी। आप केरला स्टोरी की बात कर रहे हो, मैं ज्योतिष इस कुंडली के माध्यम से कह रहा हूँ कि बीजेपी की कुंडली में योग है, ये महिलाओं को गल्फ में शेखों के आगे हवाले करने का योग भी है इनके पास। जो अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, बीजेपी ऐसा कैसे कर सकती है? 12वां घर जो है शुक्र का है और शुक्र पीड़ित है, इनका जो है वीनस पीड़ित है, जिसके कारण इनके बहुत सारी चीजें, आपको पता है इनके एक अकबर कोई मंत्री होते थे, वो मी टू के चक्कर में वो भी फंसे थे, कितने सारे नेताओं एमजे अकबर। तो मैं आपको इसलिए बात बता रहा हूँ क्योंकि ये इन लोगों के अंदर कभी भी स्त्री का वैल्यू आएगा ही नहीं, इनकी कुंडली में योगी नहीं है, शुक्र मजबूत होना चाहिए। और इसके विपरीत कांग्रेस की कुंडली में देखिए, बृहस्पति से दृष्ट है, कांग्रेस की कुंडली में दिखाता हूँ, यहीं पे अंदर देखे, मेरे को मेरी बातों में भरोसा मत करो, आप तो सीधे ज्योतिष पे आइए ना, ज्योतिष में आप कांग्रेस की कुंडली को देखिए,
इतनी अच्छी कर दी है। कह रहे हैं आप, कह रहे हैं कि बीजेपी वाले सेक्स स्कैंडल में फंस जाएंगे, ड्रग्स में फंस जाएंगे, आप ऐसी ऐसी वादे कर रहे हैं, कैसे भरोसा कर रहे हैं आप? देखिए कांग्रेस की कुंडली में देखिए, इसके विपरीत बृहस्पति यहाँ है और शुक्र और वीनस यहाँ पर केंद्र में, तो कितना सुंदर योग है। ये स्त्रियों का महिलाओं का सम्मान करने वाला, इसीलिए जो महिलाओं का भविष्य, अगर राजनीतिक भविष्य अगर किसी पार्टी के अंदर देश में सुरक्षित है तो केवल और केवल कांग्रेस के अंदर। चलिए एक क्वेश्चन पर और आते हैं आपके बहुत चैलेंजिंग में से। मैंने आपकी, मेरी बात दर्शक नोट कर लें, जैसे मैंने राहुल गांधी की बेल की प्रेडिक्शन की थी, इसी तरह से आज बता रहा हूं कि नॉट ओनली रायबरेली, रायबरेली तो बहुत बड़े मार्जिन से, और अमेठी भी इनके हाथ में जारी है। राहुल गांधी की स्ट्रेटेजी के वजह से ही वो जीतेगी, क्योंकि राहुल गांधी की खुद ये दावा कर रहे हैं। मेरी जानकारी यही है कि 5 तारीख से प्रियंका गांधी लगातार कैंप करेंगे अमेठी रायबरेली दोनों में, और दोनों सीटें जिताएंगे, प्रियंका के हाथ में कमान होगी। ये मुझे ये बताइए पंडित जी, केजरीवाल का क्या होगा? केजरीवाल बेचारे जेल में दिन गिने जा रहे हैं, अब 7 तारीख को उनकी हेयरिंग है, अंतरिम जमानत की सुनवाई है, उनका भविष्य क्या दिख रहा है आपको? केजरीवाल का जेल में काट देंगे सब जिंदगी या बाहर निकलेंगे? देखो एक चीज और मैं आपको बताना चाह रहा था, मेरा कोई संपर्क नहीं, मैंने आपके हर प्रोग्राम में कहा मेरा संपर्क केवल और केवल भाजपा और संघ के लोगों के बीच में ही रहा है, कांग्रेस में मेरा कोई संपर्क नहीं है। मुझे ऐसी जानकारी कहीं से किसी ने बताई थी कि राहुल गांधी, प्रियंका और हाँ किसी पत्रकार ने बताई थी, राहुल बहुत जो नजदीक है उनके परिवार के, कि राहुल गांधी, प्रियंका और स्वयं सोनिया गांधी मेरा प्रोग्राम 4 PM वाला फर्स्ट डे सेम डे देखते हैं, और वो मेरे से बहुत इंस्पायर्ड हैं, और उस व्यक्ति ने तो मुझे ये कहा था वो आपके फैन हो चुके हैं। तो मैं नहीं जानता, उसका शायद ज्योतिषीय कारण हो सकता है, मैं बता दूं तो राहुल गांधी का तुला लगन है जिसका स्वामी लॉर्ड जो है शुक्र होता है, मेरा भी वृषभ लगन है जिसका स्वामी शुक्र है, तो सेम लगन हो गया। प्रियंका गांधी का जो लग्न है वो मिथुन लगन है, इसका स्वामी बुध है, तो मेरा बुध जो है, बुध और शुक्र जो है ग्रेट फ्रेंड है, तो ये दोनों भाई बहन जो है, कभी मौका मिला अगर भगवान ने कभी मेरी कोई मुलाकात हुई तो मैं चाहूंगा कि इन दोनों भाई बहनों को मैं अपने छोटे मोटे जो मेरे पास अल्प ज्ञान है उससे उनका कोई मार्गदर्शन कर पाऊं। आज जो है, वो जो है 2 घंटे राहुल गांधी से हम लोगों की 2 घंटे के आज से ज्यादा मुलाकात चली थी, उसमें आपका भी जिक्र आया था कि ज्योतिषी हैं, तो बड़ी जोर से मुस्कुराए थे वो। तो अच्छा, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस ही छोड़िए, विपक्ष का कोई भी आदमी ऐसा होगा बड़ा नेता जो आपका देखता ना होगा, विपक्ष छोड़ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी के मेरे कई सेंट्रल मिनिस्टर भी मेरे दोस्त हैं, केंद्रीय मंत्री मेरे अभिन्न दोस्त हैं कुछ, तो उन्होंने भी कहा कि भाई कितना ही हमारी पार्टी के खिलाफ बात हो जाए लेकिन प्रोग्राम देखते हैं। और जब मुरादाबाद में सर्वेश जी की डेथ हुई तो भारतीय जनता पार्टी के बहुत सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर का फोन आया, बोले तो गजब हो गया। और जब हाथरस की भी MP की डेथ हो गई तो बड़े परेशान थे कि यार ये बोल रहे हैं तो डर लग रहा है कि इनकी बातें सुन सुन के होने वाला क्या है। तो क्या लग रहा है केजरीवाल पे, हम लोग बात कर रहे थे केजरीवाल का भविष्य क्या होगा? एक जानकारी मेरे पास तैयार है, मैं आपको बता रहा हूँ, आपने बिल्कुल सच कहा, मुझे संघ में, संघ के लोगों ने बताया, संघ के सारे बड़े बड़े अधिकारी मेरे प्रोग्राम को देखते हैं, वो इसलिए भी खुश होते हैं कि एक हिंदू आचार्य के रूप में मैं वास्तव में अपने धर्म शास्त्रों की बात कह करके एक अपने संस्कृति का जो प्रचार प्रसारण कर रहा हूँ, इस नाते वो मुझे बहुत पसंद करते हैं। और भाजपा में राजनाथ सिंह जी ने से लेकर के बड़े बड़े नेता भी मेरे बहुत बड़े फैन है, तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये कैसे चमत्कार हो रहा है। खैर, क्योंकि देखिए हम कुछ भी हो, सत्य हर एक को देखो प्रिय है, आप पालन कर पाए ना कर पाए वो आपके प्रारब्ध में, जब तक आपकी कुंडली में योग नहीं है तब तक सत्य पे चलना चल पाओगे ना उसको मान पाओगे, लेकिन आपको अंदर से हृदय से पसंद जरूर होगा। क्यों? क्योंकि वो आत्मा का विषय है, तो आत्मा को हमेशा सत्य प्रिय है, तो जब आप आत्मा से, तो मेरे को आशीर्वाद देंगे ही देंगे। आपको जानकारी के लिए बता दो, मेरे पास एक मुजफ्फरनगर से एक भाजपा के सांसद का, एक MP का मेरे पास कॉल आया और उन्होंने मुझे बताया कि हमारी जाट लैंड में गांव गांव में बोले कि आचार्य जी आपके गांव के आखिरी व्यक्ति तक आप पसंद किए जाते हैं, आपके बारे में लोग आपके प्रोग्राम को रिपीट कर करके देखते हैं। और आपको पता है कि एक बंबई से एक मेरी एक जो आपने तो वो एक भेजा था एक सहारनपुर के सांसद की बात, जिसमें वो पूरा नाम मेरा लेकर के कह रहे हैं कि मैं उनकी वजह से प्रोग्राम देखता हूँ। और बंबई में एक मेरे किसी ने कंसल्टेशन ली थी, कोई संपदा करके थी मैडम, उन्होंने वो ऑटो रिक्शा में बैठी और ऑटो रिक्शा में बैठी तो ऐसी देश के ऊपर बातचीत चली, तो उसमें वो ऑटो ड्राइवर जो उनको कह रहा था वो उन्होंने क्लिप भेजी थी। तो देखिए जीवन में सबसे बड़ा हमें, देखिए पैसा आदमी के साथ नहीं जाता, हर पैसे वाले को भी संजय जी ये एक एक उसकी दबी मतलब दिल में इच्छा होती है कि उसको जनता जनार्दन जाने, उसको थोड़ा सा प्रसिद्धि मिले,
पैसे वाले की भी, और असली प्रसिद्धि वही कही जाती है, जैसे मैंने आपके ज्योतिषी कारण बताया कि सूर्य के द्वारा की प्रसिद्धि आपके अंदर अभिमान लाती है। सन की मतलब है बड़े बड़े लोगों से संपर्क होना, वो अंदर आपके अंदर एरोगेंस बढ़ा देगा। लेकिन शनि के द्वारा जो प्रसिद्धि मिलती है वो जनता आखिरी पायदान पर खड़ा व्यक्ति आपको पसंद करेगा। तो वो जो ऑटो रिक्शा वाला और गांव वाला जो अभी जो एमपी साहब बता रहे थे कि गांव का छोटे से छोटा आदमी मुझे पसंद कर रहा है, ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी सेवा और मेरे जीवन को सार्थक कर दिया इस बात ने। और मैं वास्तव में इसमें उन सभी लोगों को प्रणाम करता हूं कि ये संभव नहीं था बिना हनुमान जी के आशीर्वाद के, मैं बिल्कुल नहीं, क्योंकि लगातार 1 जून से प्रोग्राम करते करते फटीग आ सकता था, आप कहीं से अपने सब्जेक्ट से भटक सकते थे, लेकिन वो एक फ्लो कभी टूटा नहीं है। आता हूं संजय एक और खुशखबरी देश के सामने लेने की। आपके प्रोग्राम में मैंने अरविंद केजरीवाल की ये कुंडली डिस्कस की थी, 16 अगस्त 1968 का जन्म है ये, सिंह लगन की कुंडली है। बुध के बारे में मैंने कहा था, लोगों ने उसमें कहीं थोड़ा सा ट्रोल करने की कोशिश की, अलबत्ता तो कोई मौका मिलता नहीं है उनको मेरे खिलाफ ट्रोलिंग करने का, लेकिन मैं आपके दर्शकों को बता देता हूँ, बुध जो है एक ऐसा फ्रेजाइल प्लेनेट है चंद्रमा के बाद, जो घड़ी घड़ी बहुत तेजी से बदलता है, 17 दिन में अपनी साइकिल चेंज कर लेता है और वक्री और अस्त बहुत होता रहता है। बुध जो है 7 मार्च को, ये सारी 21 मार्च को अरेस्ट होते हैं, 7 अप्रैल को बुध बदला था, हमने शायद अपने संबत्सर के प्रोग्राम के टाइम पे ही मैंने कुछ कहा था कि बुध बदलेगा तो उसकी बेल तो हो जाएगी, और बुध के बदलते बुध फिर बकरी होकर फिर वापस मीन राशि में चला गया उनके 8वें घर में। 8वां घर होता है कन्फाइनमेंट का, डिले होने का। 1 मई को बृहस्पति आ गए हैं इनके 10वें घर में, 4थे घर पे दृष्टि मिल रही है बृहस्पति की। मैंने ट्वीट भी कर दिया है आप लोगों के यहाँ, मैं ट्वीट आप शेयर कर लेना, मैंने कहा अरविंद केजरीवाल की बेल हो जाएगी, इसी महीने बेल हो जाएगी। अब इसी महीने बेल हो जाएगी, क्योंकि हमने जब हम आपको बताया, हमने जब अलग अलग सब्जेक्ट पे जो समाज में हमारे होते हैं सब सब्जेक्टों पर हम रिसर्च कर चुके हैं, तो हमने जेल के ऊपर ही एक रिसर्च वर्कशॉप की थी अपने पढ़ते समय। तो इम्प्रिजनमेंट के योग होते हैं कि जेल जाने के किसी की कुंडली में योग होगा तो वो होंगे लगन से 2 और 12 घर में बराबर नंबर प्लेनेट हो, 3 और 11, मैं रिपीट कर रहा हूँ लोगों को, ये वकील लोग सीख लें कि उनके लिए बेल के लिए उनकी फीस अच्छी खासी बनेगी। 3 और 11 घर में इक्वल नंबर ऑफ प्लेनेट्स हों, 4 और 10 में इक्वल नंबर ऑफ प्लेनेट्स हों, 5 और 11 में 5 और 9 में इक्वल नंबर ऑफ प्लेनेट्स हों, तो व्यक्ति को जेल होती है, इसको बंधन योग कहा गया ज्योतिष में। इसके अलावा प्लेनेट जो है सर्प दृष्टिकोण, और एक वर्ड है सर्प मतलब जो सांप से आप बंध जाते हो ना, जैसे हनुमान जी को भी रस्सी से बांध दिया उसको पाश योग कहते हैं, तो वो सर्प दृष्टिकोण में भी अगर आपका कोई ग्रह है, सर्प दृष्टिकोण 3 राशियों से बनता है, वो आपके जल तत्व की राशियां 4, 8, 12, 4, 8, 12 में भी अगर सर्टेन डिग्री में कोई ग्रह बैठा है तो भी आपको जेल हो सकती है। और बेल कब होती है, तो बेल तब होती है कि जब 4थे घर पर आपकी लग्नेश और चतुर्थेश पर शुभ ग्रहों की दृष्टि होगी तो बेल होगी। तो लग्नेश इनके अभी इस समय 14 अप्रैल को आ चुके थे भाग्य के स्थान में, और 13 मई को लग्नेश 4थे घर में बृहस्पति के साथ बैठे। कोई दुनिया की ताकत है, जो मैं आपको बता रहा हूं ब्रह्मांड की कोई भी ताकत हो, अरविंद केजरीवाल को मई के महीने के से बाहर जेल में रख ही नहीं सकती है। सो अरविंद केजरीवाल अगले हफ्ते में घर वापस आ रहे हैं, और आप पार्टी को शुभकामना, और आकर के फिर देखिए वो कितना फायरी अटैक करने वाले हैं, ये सब हमारे लिए देखने को होगा। अब जाते जाते एक धर्म कर्म की बातें करता हूं, प्रोग्राम तो हो गया, एक मोरल स्टोरी है उसी से समापन करेंगे। एक बार एक व्यक्ति को स्वप्न आया और उसने देखा कि वो मॉल में गया है, वहां भगवान अपना एक काउंटर लगा के बैठे हुए, तो भगवान से उसने पूछा भाई क्या बेच रहे हो, तो भगवान ने कहा कि भाई तेरे कल्याण की सारी वस्तुएं बेच रहा हूं मैं। तो व्यक्ति ने कहा मैं तो एक ऐसी वस्तु चाहता हूं जिससे मुझे इस जीवन में मन की शांति, व्यक्ति क्या कह रहा है भगवान से कि मैं तो एक ऐसी वस्तु चाहता हूं जिससे मुझे मन की शांति, प्रेम, हैप्पीनेस, विजडम और नाना प्रकार के डर से फ्रीडम मिल जाए, मैं अभय रहूं। भगवान मुस्कुराए, बोले पुत्र तुमने मुझे गलत समझ लिया है, मैं माल नहीं बेच रहा हूं, मैं तो बीज बेच रहा हूं, बीज। भगवान कह रहे मैं तो बीज बेच रहा हूं, सीड्स बेच रहा हूं, फ्रूट्स। अब तुम मांग रहे हो फ्रूट्स, अरे फ्रूट्स आएंगे कहां से, पहले बीज तो लेके जाओ। तो भगवान ने कहा कि मैं फ्रूट्स नहीं बेच रहा हूं, केवल सीड्स बीज बेच रहा हूं, मेरे पास इन चीजों के हैं, तुम्हें अच्छी तरह से पता है
कि जब बीज बोया जाता है तब पहले उससे अंकुर निकलता है स्प्राउट, उसके बाद बड़ा होकर के ये वृक्ष बनता है और फिर उसके बाद उस पर फल लगते हैं जिन्हें तुम चाह रहे हो। तुम डायरेक्ट फल क्यों चाह रहे हो, तो पहले बीज तो लगाओ। तो भगवान ने कहा, वो बीज दर्शक सुन लें, इसलिए अगर तुम्हें अपनी इच्छा के अनुसार फल चाहिए तो मैं जो तुम्हें सीड्स दूंगा तुम उन्हें पहले प्लांट करना। अपनी मेहनत लगन सेवा भाव और फलों के प्रति प्रेम से उन्हें नरिश करना। इट इन्वॉल्व्स एक्सप्लोरिंग लव कंपैशन एम्पैथी एल्टुरिज्म एंड ट्रुथ। इसके लिए यू ऑट टू हैव ए लॉट ऑफ पेशेंस फॉरबियरेंस एंड कैपेसिटी टू फेस पेन्स एंड एब्जॉर्ब अनएंटिसिपेटेड प्रॉब्लम्स। दो फैक्टर भगवान ने कहे हैं कि इन बीजों को वृक्ष फलदार वृक्ष बनाने में जो आपको मदद करते हैं, वो कहते हैं तप और अभ्यास। तो इसलिए आपके दर्शकों को मैं बताता हूं कि जब तक आप तप का मतलब है बेसिकली डिटैचमेंट, अपने आप को तपाना, सुख दुख में तपाना, सर्दी गर्मी से तपाना, नाना प्रकार के संकटों से तपाना। मत घबराइए, भगवान ने दुख बनाया ही नहीं है। मैंने आपकी कुंडली आपके प्रोग्राम में कहा था, जब ज्योतिष के 12 घरों को मैं देखता हूं तो 6, 8, 12 तीन घर होते हैं और 12 के अगर परसेंटेज निकाला तो 25%, इसका मतलब 25% ही भगवान ने दुख बनाए हैं। तो भगवान ने दुख बनाए ही नहीं थे, ये तो हमारे अपने द्वारा अहंकार के कारण, अज्ञानता के कारण लिए हुए गलत निर्णय है जिनकी वजह से हम दुख सुख दुख देखते हैं। तो भगवान ने ये कहा है कि जाते जाते मैं बता देता हूं, ये तप और अध्याय से जो नरेंद्र मोदी जी के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। महर्षि पतंजलि ने ये जो तप की बात कही है वो कौन से हैं जो है वो दर्शक, यम और नियम। जो महर्षि पतंजलि ने यम और नियम बताए, यम क्या है, अहिंसा, सत्य, चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य और आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह ना करना। आपका पाप का कारण ही यही है कि जब होर्डिंग शुरू कर देते हो आप, चीजों को इकट्ठा करना शुरू, वो एक मकड़ जाल है। दूसरा नियम क्या कहे हैं, नियम कहे हैं स्वच्छता बाहरी और अंदरी, संतोष, संतोष को सबसे बड़ा धन माना गया है, और ऑस्टेरिटी मतलब आपको जो है आवश्यकता मतलब ज्यादा दिखावा ना करना, और स्वाध्याय, स्वाध्याय मतलब सेल्फ स्टडी, और सरेंडर टू गॉड, भगवान के आगे समर्पण। इससे आपके देखिए जीवन में आपके अंदर ये बीज बड़े होंगे और तब जाकर के आप जो है एक अपने मन की शांति, सुख, प्रेम, दया, करुणा आप पा पाएंगे। चलते चलते भगवान जी हनुमान जी जय, तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर जग जाना, कृपा करहुं गुरुदेव की नाई। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे राजीव जी, और आपने सुना दावा कर रहे थे कि अमेठी और रायबरेली दोनों जगह से कांग्रेस जीतेगी, और ये बड़ा, अगर ये बात सही होती है तो एक बड़ा भूचाल लाने वाली बात होगी। मुझे इंतजार रहेगा आपकी राय का, ये आपको कैसे लगा जरूर बताइएगा। शुक्रिया, थैंक यू।